एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग की चाय पीने के बाद किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन में काम कुछ ज़्यादा था आज, डस्टिंग वगैरह करना। डस्टिंग मैं एक दिन गैप करके करती हूँ, और अगर समय रहता है तो मैं डेली कर देती हूँ। जैसा मुझे समय मिलता उस हिसाब से मैं करती हूँ, और क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं, जो चीज़ हम पीते हैं, तो उस चीज़ को हमेशा साफ रखना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जो चिमनी है उसके नीचे जो देख रहे हैं आप, जो छोटा सा स्लैब है लकड़ी का, उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो साथ ही साथ इसको भी करती हूँ और चिमनी भी करती हूँ, क्योंकि चिमनी जो है उस पर हमेशा गंदगी चिपचिपी बैठ जाती है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके जो नीचे है खाना बनता है तो उसको साफ़ रखना बहुत मस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉटल वगैरह भर के मैं रख रही हूँ, ताकि जो दिन का काम है मेरा दोपहर तक का वो लगभग फिनिश हो जाए। और किचन के काम लगभग कंप्लीट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को मैनेज करके रख दिया है। जो चीज़ जहाँ अपने पे रह जगह रहनी चाहिए मैंने वहाँ रख दिया है। और उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, तो जो मेरा ये दूसरा वाला छोटा सा एक अलमीरा है, तो ये बहुत दिन से मेसी पड़ा हुआ था, तो इसको मैं भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, तो सोचा कि कपड़े इसमें मैं रख रही थी, तो सोचा कि लाओ इसको भी मैं अच्छे से जो भी चीज़ें हैं अपनी जगह पे रख दूं, क्योंकि बच्चे हैं तो एक उठाते हैं दो निकालते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो चीज़ और इसकी भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी, तो इसमें मैं पर्दे वगैरह जो एक्स्ट्रा पर्दे हैं मैं धुल के इसमें रखती हूँ। बच्चे के कुछ कपड़े हैं, और नीचे देख सकते हैं चूड़ी केस है, तो इस तरह से कुछ आइटम हैं। ये बाबू के ड्रेस हैं, तो इस तरह से मैंने ये आप लोगों के साथ कभी नहीं शेयर किया, तो सोचा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इस तरह से मैंने इसको अरेंज करके रखा हुआ है। जब चीज़ें सही से रख दी जाती हैं तो वो आसानी से हमें जब चाहिए वो मिल जाता है। उसके बाद मैं अपने रूम में की जो टीवी वगैरह है उसकी डस्टिंग करने लगी, और क्योंकि एक जो चीज़ें हैं मैंने डेली इसकी डस्टिंग करती हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वॉलपेपर, मैंने आज इसको लगाया है, अभी मैं जूम करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो ये सब चीज़ें हैं, और मेरे रूम की डस्टिंग डेली होती है, एक दिन भी गैप नहीं होती है। जब मैं चादर सही करती हूँ तो मैं उसी समय जो है डस्टिंग कर लेती हूँ अपने रूम की, ताकि मुझे बाद में इस पर समय ना देना पड़े। और अच्छा भी लगता है जब रूम वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, तो अच्छा लगता है देखने में भी, और मन में एक खुशी होती है कि हाँ मैंने अपना ये चीज़ जो है अच्छी तरह से कंप्लीट करके रखा है। और बाय चांस अगर कोई आ भी जाता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, और
हमारी तारीफ भी होती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप मेरे अपने रूम को बहुत मेंटेन करके रखती हैं और कम्प्लीमेंट भी मुझे मिलता है। तो इस वजह से और हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करके किस तरह से रखते हैं। ये मैंने बाबू का झूला हम लोग गए थे लेने और ये हम लोग को पसंद आया, हम लोगों ने लिया। आप लोग बताइए कैसा है ये? हर्ष के लिए है, मैंने झूला लिया है। जैसा आप लोग पूछते हैं वीडियो में कि हर्ष कैसा है कैसा है, तो उसके लिए झूला था। और यहाँ पे मैं सावर लेके फिर आ गई हूँ और फिर मैं यहाँ पे बाल अपने ठीक कर रही हूँ और नाश्ता वगैरह मैंने पहले ही कर लिया है। आप लोग मेरे बालों की तारीफ बहुत करते हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और मैंने इसका जो है एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हेयर एंड केयर, कि मैं क्या क्या इसमें अपने हेयर में यूज़ करती हूँ। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो और तारीफ के लिए आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अब तक मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं, मैं सावर लेके कभी ही आ गई थी और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। अभी टाइम हो रहे हैं 11:10 AM और आज तारीख है 8। तो और जैसा कि आपने देखा कि डस्टिंग, तो मैं डस्टिंग डेली करती हूँ, जो जितना हो पाता है, जो सामने का जो भी चीज़ जो दिखता है मैं उसकी डस्टिंग डेली करती हूँ, और ताकि इससे घर जो है वो थोड़ा सा मेंटेन रहता है। और तो मैंने वॉलपेपर एक लगाया है, आपने देखा होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी जब छोटा वाला कवर्ड साफ की तो उसमें वो मिला, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको भी कहीं हैंग कर देते हैं। और ये छोटा वाला जो अलमारी है वो मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा था, तो सोचा कि आज से मैं निकाल के उसको मैं कर लूँ। तो फिर चलिए, मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके, तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया और अभी और मैं अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा सूट नहीं कर पाई, तो फिर वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि उसकी फीचर की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो फिर चलिए, मैं बंद करती हूँ इस वीडियो को और फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। हाँ, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा रहा, और ताकि आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं उनके,
उनके जो कमेंट हैं मैं वेट करती हूँ। तो चलिए मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, स्टे हेल्दी।